आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। थाना गागा लेड़ी क्षेत्र के गांव सोना सैयद माजरा में हुए स्वैब हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि थाना मंडी पुलिस व स्वाट टीम ने स्वैब हत्याकांड में पुराने चिलकाना अड्डे से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुकीम पुत्र मुस्तकीम, मतीन पुत्र हसीन, शहजाद पुत्र केसर शामिल हैं, जिनके पास से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस व एक मारुति अल्टो बरामद हुई है। पूछताछ में अभियुक्त मतीन ने बताया कि मृतक शुएब के उसकी छोटी बहन के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी मिलते ही मतीन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुएब की हत्या कर दी। देखिए, ये ग्राम सैयद माजरा है थाना गागा लेड़ी का, उसमें 4 तारीख की शाम को जो वहाँ के प्रधान जी थे उनके पुत्र को गोली मार के किसी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी थी। ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था और इस पर हमारे थाना गागा लेड़ी और की पुलिस ने और सर्विलांस ने पहले काम किया और काफ़ी आगे तक इसको जो है आगे अंजाम तक पहुंचा दिया। बाद में वादी के कहने पर ये अभियोग जो है इसकी विवेचना थाना मंडी आई और इन तीनों के संयुक्त प्रयास से इसका खुलासा हुआ है। 22 तारीख को कुछ मुलजिमों के नाम प्रकाश में आए थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने में और हत्या में प्रयुक्त जो असलाह था, जो कि एक पिस्टल है नंबर 2 की, मतलब देसी पिस्टल है लेकिन काफ़ी अच्छी पिस्टल है, उसको जिससे हत्या करी गई थी उसको उन्होंने बरामद किया है और इस घटना का पूरा खुलासा कर दिया है। क्यों करी थी हत्या? देखिए, जो अभी तक के साक्ष्य आए हैं उससे ये प्रतीत हो रहा है कि संभवतः जो इसमें एक मुलजिम है उसकी बहन से मृतक के कुछ जो है कोई प्रेम प्रसंग होने की बात जो है जानकारी में आ रही है, इसकी तस्दीक करी जा रही है कि इसकी किस हद तक सच्चाई है। उसी के आधार पर, उसी शक के आधार पर मुलजिम ने अब इसकी मृतक की हत्या करी है। ये पिस्टल कहाँ से आई थी? हाँ, ये पिस्टल जिस व्यक्ति के द्वारा मुहैया कराई गई थी उसका नाम शहजाद है, वो भी ग्राम सैयद माजरा का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। जिन्हें लाइसेंस पिस्टल नहीं है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस ने चेकिंग के दौरान जनमंच गांधी पार्क से दो अभियुक्त नीरज व अरशद को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी ने बताया कि नीरज शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर 11 मुकदमे कायम हैं। इनके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। कल इसी क्रम में एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए चौकी कैंप थाना सदर बाजार की पुलिस को एक सफलता मिली है। नीरज नाम का अभियुक्त और इसके साथ में एक अरशद नाम का अभियुक्त है। नीरज पर 11 मुकदमे लूट के और इससे संबंधित हैं, कई बार जिला बदर भी हुआ है। उसको कल पुलिस ने रैंडम चेकिंग में उसको गिरफ्तार किया है और ये प्रमाणित किया है कि इस प्रकार से जो चेकिंग लगातार चलती रहती है शाम को, तो इसमें पुलिस अगर कार्रवाई करे तो एक मुलजिम जो कि कुछ घटना करने की फिराक में रहते हैं वो हाथ में आ जाते हैं। तो उसी के क्रम में ये नीरज और रशद को कल गिरफ्तार पुलिस मुठभेड़ के बाद किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रही शगुफ्ता खान ने आज अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैरानार सीट से गठबंधन की प्रत्याशी के लिए प्रचार न करने की बात कही। इससे पूर्व उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कैराना सीट पर गठबंधन की प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार में समर्थन न करने का निर्णय लिया। ये आज विधानसभा भैया सामने देखो, भैया सीनियर जिनसे विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और इसी के उसमें हम आपसे भी चाहते हैं कि चूंकि देश में लोकसभा चुनाव की तरह चल रहे हैं, शुरू पहले फेज का चुनाव आप ही के यहाँ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोगों से, आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाए उन लोगों को जरा सा ये एहसास हो कि वो एक बड़े पद पर जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी चुनने की। इस वजह से
वजह से इमीडिएट बुलाई गई होगा। चिलकाना रोड स्थित एल्पाइन पब्लिक स्कूल में आज परीक्षा फल घोषित किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य शकील अहमद, चीफ कोऑर्डिनेटर सरवत जमाल एवं उप प्रधानाचार्य प्रियंका गुप्ता ने अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानाचार्य ने छात्रों से सदैव परिश्रम कर अपने माता पिता एवं विद्यालय का नाम रोशन करने की बात कही। स्कूल का 2018 सेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। हर क्लास में टॉप 3 पोजीशन वाले बच्चे, अटेंडेंस और डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों को प्राइजेस दिए। सब बच्चे इस अवसर पर बहुत उत्साहित थे, उनके पेरेंट्स को भी हमने बताई थी और हमें उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चलकर जैसे अब इन्होंने किया है स्कूल का अपने परिवार का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं फिर से सभी पेरेंट्स को और बच्चों को बधाई। जवाहर नगर स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में आज वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि फादर तारसिस सुधीर जोशी, प्रबंधक सुरेंद्र चौहान, उप प्रधानाचार्य सिंपल मकानी एवं मनु चौहान ने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रबंधक सुरेंद्र चौहान ने सभी बच्चों व उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को बधाई दी। Third prize go to Pari and Drishti Chopra Raswan with 99.1. Second prize goes to. सामने देखो, सामने. सर सामने देखो. मैम सामने. प्रबंधक नेशनल पब्लिक स्कूल, सहजक प्रोग्रेसिव स्कूल सोसाइटी। आज हमारे विद्यालय नेशनल पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और स्पेशल प्राइज पाने वाले बच्चों को फादर तारसिस सेंट मैरी एकेडमी के प्रिंसिपल और सुधीर जोशी प्रिंसिपल सांबर पब्लिक स्कूल ने सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों को बीहट रोड स्थित ग्रीन सिटी कॉलोनी पर आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के लोकसभा प्रत्याशी हाजी उवेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला अध्यक्ष तारिक गुड्डू व प्रत्याशी हाजी मोहम्मद उवेस ने फीता काटकर किया। इस दौरान नगर विधानसभा अध्यक्ष नरेश गोयल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। एक एक वोट चाबी के निशान वाला बटन दबा करके लोकसभा में भेजने का काम करें और इन फिरका प्रस्तावकों को हराने का काम करने में हमारा सहयोग करें। खिदमत की है, 20 साल से खिदमत की है, खिदमत करूंगा और खिदमत कर रहा हूं। नेतागिरी ना की है ना करूंगा, ना किसी पार्टी से आज तक पत्र लिया। 20 साल से सारी मीडिया गवाह है, पूरे जिला सहारनपुर के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गवाह है कि हाफिज उवैस वो एक ऐसा शख्स है बगैर पद के, बिना लालच के जनता की सेवा के काम करता चला आ रहा है जनता के बीच में। कोर्ट रोड आयकर भवन के सामने आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान देवंद विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह, रामपुर विधायक देवेंद्र निम, जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप, नगर अध्यक्ष राकेश जैन सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ध्यान से कितने बाजू हमें साथ को
सकती है कि आपका जब चुनाव कार्यालय खुलता है तो जितनी जनता इकट्ठी होती है उतना तो विरोधियों की रैलियों में भी लोग नहीं आते। सोमवार की रात पक्का बाग में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान के समर्थन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए बसपा नेता औसाफ गुड्डू ने कहा कि हाजी फजलुर रहमान की जीत धर्मनिरपेक्षता की जीत होगी और फिरकापरस्त ताकतों को हराने के लिए जिले की जनता एकजुट है। मुसलमान को चाहिए कि अपने आपस के मतभेद आपस की बातें भुला के गठबंधन का साथ दे, हाजी के निशान को भोर लगाए और अपना और अपने बीच का कैंडिडेट हाजी फजलुर रहमान को कामयाब करे। मैं तो बस अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूँ, ए रब्बुल आलमीन, इन मुसलमानों की याद रख ले, इनके वोट देने को कबूल फरमा ले और इनके हिस्से ठीक कर दे और बीजेपी को मेरे को लागू करके रखा। सहारनपुर न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।